हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको लेके आया हूँ ऑनलाइन एजुकेशन स्लिप। यानी कि ये एक ही वीडियो में आपकी ए टू जेड सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पे कवर हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, ये एक ही वीडियो इनफ होगा। देखिए, इसमें दो तरह के पार्ट है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देखते हो तो यहाँ पे आपका आएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे जंप करना है और ये होता है मेरिट डिक्लेरेशन, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन कंफर्मेशन। अब ये जो कमेटी है, एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्स, ये एडमिशन बिल्डिंग एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में है, नवरंगपुरा में आता है अहमदाबाद के अंदर। और आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप jacpcldc.ac.in की वेबसाइट पर से ले सकते हो। मैं अब हो सके उतनी जल्दी ये वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पता ही है, बट फिर भी यहाँ पे आपको किसी तरह की चूक ना हो इसीलिए मैं ये फटाफट से वीडियो में जल्दी से सब कुछ कवर कर दूंगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला स्टेप होगा कि आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे या फिर मेरी चैनल पर से भी आपने देखा होगा कि एसीपीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही दूसरे स्टेप, एक बार पहला स्टेप खत्म हो जाए उसके बाद आते हैं दूसरे स्टेप पे, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा gujacpc.nic.in की वेबसाइट पर से। अब जहां तक मेरा मानना है, सभी के सभी स्टूडेंट्स का अब तक तो रजिस्ट्रेशन हो ही जाना चाहिए। अभी भी आकर रजिस्ट्रेशन बाकी है तो हो सके उतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आएगा तीसरा स्टेप, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा और इसके अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 में है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, यानी कि आपको 300 जितनी फीस पे करनी होगी और उसके बाद आपका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका एसीपीसी की वेबसाइट पर से सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि एसीपीसी अपनी साइट से एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा चॉइस फिलिंग करने का, और यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड चॉइस होगी चॉइस फिलिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 ही कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो, ठीक है। अब ये स्टेप हो जाए उसके बाद बारी आती है मॉक राउंड की, और मॉक राउंड में आपको पता चलेगा कि कितना इजी रहता है प्रोसेस, कितना हार्ड रहता है, कहाँ पे दिक्कत आती है, किस तरह से एडमिशन अलॉट होता है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा एसीपीसी से, मॉक राउंड से। अब मॉक राउंड हो जाए उसके बाद बारी आती है फर्स्ट एक्चुअल राउंड की, कि जिसमें आपको फर्स्ट एक्चुअली में एडमिशन मिलता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर इसके बाद मान लीजिए कि आपको अपना एडमिशन कंटिन्यू रखना है तो फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्यूशन टोकन फी पे करनी होगी, और जैसे ही ट्यूशन टोकन फी पे कर दो उसके बाद आपकी एडमिशन स्लिप जनरेट हो जाएगी एंड फिनिश, आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपका इंजीनियरिंग में प्रोसेस हो गया है। इंजीनियरिंग की कॉलेज में सीट आपको अलॉट भी हो चुकी है और आप अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करोगे। अब देखिए, ये यहाँ पे सबसे माइनस पॉइंट यही है कि पूरी प्रोसेस काफी डिले हो रही है, दो बार एक्चुअली में डिले हो भी चुकी है, और क्या पता कि आने वाले टाइम में भी एक आध बार और भी डिले हो सकता है। बट हमें तो सिर्फ क्या करना है कि अच्छे से अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और इन द मीन टाइम अभी आप फ्री मत बैठना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर से करना, चाहे वो आप यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल सीख रहे हो या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो। देखिए, सीखना इम्पोर्टेंट इसीलिए, भले ही आप दिन के 24 में से सिर्फ 3 या 4 घंटे ही कुछ नया सीखे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा दिन आप 12th साइंस की तरह पढ़ते ही रहो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम दिन में 24 घंटे में से 1-2 घंटे भी पढ़ाई के लिए निकाल देना, तो इससे क्या होगा कि आपकी इंजीनियरिंग में और आगे चल के टाइम में भी आपको ये काफी यूजफुलनेस होगा। थैंक यू।